मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। सातवें अध्याय के अंतिम चरण में हम आ पहुंचे हैं। आश्रव तत्व का वर्णन करने वाला यह अध्याय है। आश्रव में भी वैसे छठवें अध्याय में तो आश्रव की चर्चा कर ही चुके हैं। पुण्य आश्रव की चर्चा करना चाहते थे और कर ली है। किन किन कारणों से पुण्य आश्रव होता है, अंतिम दो सूत्र बचे हैं 38 और 39। दान का स्वरूप बताने वाले ये सूत्र है। दान से भी पुण्य का आश्रव होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन सूत्रों का क्या उचित है यहाँ पर। तो ख्याल में आता है अभी अभी जो सूत्र चल चुका है अतिथि संविभाग संबंधी, उसी को पुष्ट करने की इच्छा हुई होगी। शायद इसलिए वैयावृत्त के प्रकरण में ही आचार्य समन भद्र स्वामी ने भी ये दान का प्रकरण लिया है ना, और फिर खूब छंद लगाए वहां पर। तो दान की महिमा करने वाले तीन स्वतंत्र छंद वहां पर लिए हैं और ऐसा कहा है ग्रह कर्म नापि निचितम। गृहस्थ जीवों को गृहस्थी का काम करते करते जो पाप का संचय, पाप का ढेर खड़ा हुआ था, वह किस प्रकार नष्ट होगा, तो कहते हैं इस दान के माध्यम से नष्ट होगा। एक क्षण तो इसमें लगा लिया, दूसरा क्षण में ये बोला किस प्रकार कितना फलदायी है, तो ऐसा कहा कि वट बीजम क्षितिगतम एव वट बीजम। याद आ रहे छंद आपको, जिस प्रकार जमीन में कोई वट का बीज बोया जाए, ये बेनियन ट्री का उदाहरण 1800 वर्ष पहले दिया। एक तो बनारसी दास जी ने भी दिया अनंत का स्वरूप समझने के लिए। ये पकड़ रहे आप लोग सब बात को, अनंत का स्वरूप समझने के लिए वट के बीज का उदाहरण दिया। कल्पना करो एक बीज है आपके सामने, उस एक में एक पेड़ है, फिर पेड़ में उतने बीज दिखे, पेड़ बीज कोई अंत नहीं। ज्ञान में आ रहा है उदाहरण। यहां पर समन भद्र स्वामी ने वट के बीज का उदाहरण इसलिए दिया, यथार्थ समय में काल पाकर वो एक बीज सैकड़ों सैकड़ों फल को पैदा करेगा। वे फल पूरा और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितना भी जो कुछ आप जानते हो, एक के बदले में कितना मिलेगा। इसलिए हे जीवो, दान में प्रवृत्ति करो। एक क्षण तो इसमें लगा दिया, फिर एक क्षण में ऐसा कहा रुधिर मलम दावते वारी। ऐसा कहा कि इन्हीं छंदों में कहा, वैसे दो छंदों में, कि ऐसा कहा जिस प्रकार खून से मलिन वस्त्र, खून का धब्बा आया है, खून से साफ नहीं होता, शुद्ध पानी से साफ होता है, उसी प्रकार पाप कर्म के माध्यम से गृहस्थ जीव पीड़ित है। कोई कर्म ही करने से, पाप कर्म ही करने से वो शुद्ध नहीं होगा, उसको दान करने योग्य है। दो छंद हो गए, समझ में आता है। और एक छंद लगा दिया दान की महिमा के लिए, तीन छंद लगाए हैं समन भद्र स्वामी ने। फिर तीसरे छंद में यह कहा उच्चैर गोत्रेर प्रणतेर। फिर ऐसा ऐसा कहा कि आप ये दान दोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो वैसा मिलेगा, और अच्छे मीठे वचन बोलोगे तो भी क्या मिलेगा ये भी बोल दिया। फिर आप जय जिनेन्द्र भी करोगे तो क्या होगा, एक छंद में सब समेट लिया उन्होंने। उच्चैर गोत्रेर प्रणतेर, प्रणाम करोगे तो उच्च गोत्र मिलेगा। एक दाना लाभ क्या है,
लाभात भोगो दाना, दान दोगे कोई सीधा दोगे तो भोग भूमि में जाओगे, फिर ऐसा ऐसा उपासना उपासना करोगे, फिर आपको देखो अंगोपांग कितने सुंदर मिलेंगे। ऐसे तीन छंद लगा दिए संबंध भद्र स्वामी ने दान की महिमा बताने के लिए। शायद यही से वो बीज उठाया है दान के प्रकरण का। पद्मनंदी आचार्य भी इसमें एकमत है, दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने, और रयणसार होगा किसी का भी ग्रंथ होगा किसी का भी। यदि कुनकुन स्वामी का होगा तो उसका बल आंखने लायक है कि श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य कहे, पूजा दान, ऐसा लिखा। प्रकरण दान का चल रहा है, दान की कितनी महिमा है उसका प्रकरण चल रहा है। और चार दान होते हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। टोडरमल जी ने खूब लिया है इसमें भी, ज्ञान दान को सर्वोपरि कहा। क्यों? आहार दान दोगे तो कितने समय की समस्या मिटेगी, औषधि दोगे तो कितने की मिटेगी, अभय दान करोगे तो कितने की मिटेगी, लेकिन ज्ञान दान दोगे तो भवभवंतरों की श्रृंखला उसकी टूट जाएगी, कहकर वहां पर ज्ञान दान को ज्ञान दान में विशेष प्रवृत्ति कराई। देखते हैं हम सूत्र को समझते हैं। अनुग्रहार्थम, सबसे पहले विशेषण का प्रयोग क्या है? उपकार के लिए। दान क्यों दिया जाता है? उपकार की मुख्यता उसमें बनी रहती है, इसलिए निरंतर देते रहना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं, आज तक एक भी रिकॉर्ड नहीं है जो दान देने के कारण गरीब हुआ हो। सुनने में है वैसे कुछ? अज्ञानी नहीं ददात्यर्थम, अज्ञानस नहीं ददात्यर्थम नरो दारिद्र शंकया। अर्थ मुझे बताना। ज्ञानी वितरत्यर्थम दारिद्र शंकया, अर्थ समझ में आता है? मुझे दरिद्रता उत्पन्न होगी, ऐसी आशंका से अज्ञानी बिल्कुल ही कुछ नहीं देता, नहीं ददाते अर्थम, देता नहीं है कुछ भी। और मुझे गरीबी उत्पन्न होगी ऐसी शंका से ज्ञानी धड़ाधड़ देता रहता है। प्रसंग वही है, समझ में आता है? गरीबी कभी भी उत्पन्न हो सकती है, कभी भी उत्पन्न हो सकते तो एक तो जोड़ो जोड़ो हो सकता है और फिर एक तो छोड़ो छोड़ो भी हो सकता है। फिर जब गरीबी कभी भी उत्पन्न हो ही सकती है, फिर जोड़ने में क्या रखा है? आपको याद होगा मैंने राजा भोज का बताया आपको। राजा भोज दान में बहुत प्रसिद्ध थे, विद्वानों की इतनी कदर करते थे, उनके नगर में सबसे समृद्ध विद्वान ही थे। इसलिए तो राजा भोज के मरने पर एक सहजी विद्वान बोल उठा था, अद्य धारा क्या है, आज ये धरती, मैं अभी अभी ज्ञान में था, आज ये धरती शुष्क हो गई। क्यों? भोज राजे दिवंगता, आज भोज राजा चला गया और शमशान जैसी हो गई आज, अब विद्वान को कौन पूछेगा, ऐसा एक सहज बोल दिया था उसने। क्या विशेषता थी मैंने आपको कभी बताया होगा कि इतनी आदत थी, थोड़ा कोई छंद बोले ए लुटा दिया लुटा दिया। तो इसलिए संस्कृत की इतने पारगामी प्रजा थी कि कहार लोग भी, कहार वे पालकी ढोने वाले, वे लोग भी संस्कृत में ही बात करते थे आपस में और घोषणा कर दी थी, ब्राह्मण कुल में जन्मा वाला भी यदि संस्कृत का ज्ञाता न हो वो गांव से बाहर निकल जाए, और संस्कृत बोलने वाला कहार भी हो उसकी वो पूज्य माना जाता था वहां पर।
विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये सुक्ति तब से प्रचलित हुई है। राजा भोज, तो राजा भोज के कोर्ट में एक दिन मंत्री ने एक मैसेज भेजा गुप्त रूप में। जैसे वे सिंहासन पर आकर बैठे, एक मैसेज पढ़ा उन्होंने, क्या था? आपदार्थम धनम रक्षेत, संकट कभी भी आ सकता है, धन की रक्षा करो। ज्यादा आप बहुत लुटाते हो, आपको समझता नहीं है। आपदार्थम धनम रक्षेत, मुस्कुराते हुए क्या लिख दिया वहां पर? श्रीमताम कुतः आपदा। श्रीमता मतलब पुण्यशाली जीवों की, काय की आपदा की बात करते हो तुम? कोई आपदा फपदा नहीं आती महापुरुषों को, देखो कितना जोर है बोलने में। अब फिर मंत्री का तो काम है ट्रेजर में किस प्रकार पैसा बना रहे, अब फिर लिख दिया दैवात क्वचित समय आती, भाई भाग्य का तो कुछ ही नहीं कह सकते, अचानक आ जाए गरीबी, किसने देखा है। उन्होंने अपनी तरफ से एक नोट लगाई फिर से, क्या? संचितोपि विनश्यति। यदि ऐसा ही तुम कहना चाहते हैं कदाचित पाप का उदय आए तो फिर तो संचित क्या हुआ, तो सभी चला जाएगा फिर तो। ये स्वप्न में हरिश्चंद्र ने देख लिया था कि मैंने किसी को बोल दिया है कि मैं तुमको राज्य दूंगा, बस दे दिया था उसने राज्य दूसरे दिन उठते ही। सत्यवादी के रूप में प्रचलित हो लेकिन दान का ही वो प्रचलन चालू हुआ। अपने पद्मनंदी पंचविशती का ग्रंथ में भी एक कौन सा अध्याय चालू हुआ है, उसमें पहले दो तीन छंदों में ही खूब महिमा गाई श्रेयांश राजा की, दान तीर्थ का प्रवर्तन उनके माध्यम से चालू हो उसलिए। और धन्य है धन्य है धन्य है कहकर, ये दान धर्म बहुत बड़ा धर्म है, और दो तीर्थ प्रारंभ हुए, कहते श्रेयांश राजा श्रेयांश दान तीर्थ के करता और वे तो धर्म तीर्थ के करता आदिनाथ, वे तो थे ही, उनका पहला हरदान तब हुआ था। ये देखते हैं पहला शब्द का क्या प्रयोग किया है यहां पर, अनुग्रहार्थम। देश आदि के लिए भी सब समझ लेना इसमें समय, अपने भामाशाह इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप जब मारे मारे जंगल में भटक रहे थे हार के, तो इन्होंने पूरा इसका लिखा है पूरा, और 12 साल वो 25,000 सेना की सेना 12 साल बराबर उनका भोजन पान निपट जाएगा, इतना उन्होंने दे दिया था। उसके बल पर फिर से ताकत खड़ी करके फिर अकबर पर चढ़ाई करके अकबर को परास्त कर दिया था, और प्रसंग आने पर एक कितनी आपत्ति आई है भारत पर अंतर अंतर से, और किस प्रकार जैनियों का योगदान रहा है यह भी जानने लायक है। मैंने आपको एक बार कहा था कि ये गुजरात का, गुजरात में भी एक बार अकाल आया और वहां पर एक जन को आदत थी, वो ये बोलता जाता था, भिखारी था, पहले शाह फिर बादशाह, बताया था मैंने, पहले शाह फिर बादशाह। और तो मुस्लिम शासक था कोई राजा, तब की बात होगी 3-4-500 साल पहले की बात होगी, तो बुलाया उसको, तो क्या बोलता रहता है ये, क्यों इसमें क्या आपत्ति है बोलने में, शाह मतलब जैनियों को बोल रहे हो, पहले शाह, शाह मतलब जैन, साहूकार लोगों को, जैन लोगों को, ये प्रॉपर वर्ड्स है, ठीक है, महाजन ये जैनी के लिए प्रॉपर वर्ड किया जाता था पहले, जानते आप लोग महाजनोयन गता सपंथा। राजस्थान आदि में ये बनिया लोग जो अच्छे अच्छे वृत्ति वाले लोग, इनको अच्छा अच्छा माना जाता था जैनी लोगों को। अभी आज क्या स्थिति है कि बात नहीं है, आज तो बनिए के लिए डिक्शनरी में क्या वर्ड मिलेगा, बंगाली डिक्शनरी में, ये बंगाली जानता होगा, लुटेरा ऐसा वर्ड है मिलेगा। एक प्रकार से उनको ऐसा लगने लग गया ये लूटपाट करते, ये अमीर ही अमीर होते ये लोग। कहां तक आया मैं, क्या कह रहा था? तो फिर अकाल पड़ गया गुजरात में, फिर बहुत समस्या बन गई, तो उसने इतना ही कहा था राजा बादशाह को, मैं एक दिन सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको। बहुत अकाल पड़ गया, अब वो एकदम
उसको लगा रहे अभी कैसे हो सकता है, ये तो मरेंगे सब, राज्य मरेगा, देश की समस्या आएगी। तो फटाफट फिर जैनियों को सब एकत्रित किया, ये लिखित है मेरे पास कथा, 300-400 साल पहले की होगी। तो अहमदाबाद के जितने भी अपने ज्येष्ठ सब मान्यवर थे, अध्यक्ष वगैरह जो संघ आदि के, सबने मिलकर उसने बात रखी कि अपन जैनियों को इसमें मुक्त हस्त से देना चाहिए सब कुछ जब अपने पास है। अब सब जोड़ने का प्रयास किया तो 10% भी नहीं हो रहा था, जितना उनका खर्चा हो सकता है स्टेट का, यदि हम एक महीने का भी करने का सोचे तो उससे तो 10% ही हो रहा है। मतलब कितने दिन तो अपन कर पाएंगे, 3 दिन समझो अपन कर पाएंगे, क्या करेंगे बाकी फिर अपन इतने जैनी। तो फिर ये निश्चित किया गया कि एक अपन भ्रमण करें इसके लिए, और जगह 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 अपनी जैन समाज से अपील करें कि हमें कुछ देश के लिए देना पड़ेगा अभी। तो रोजाना ये भ्रमण करने लग गए और थोड़ा 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 जहां से जैसा बने वैसा वो इकट्ठा करने लग गए। हालांकि काम तो बहुत कठिन था। वैसे जाते जाते गाड़ी जा रही थी एक दिन, और जाते जाते रास्ते में एक आदमी सो रहा था पेड़ के नीचे, तो उसने देख लिया अपने ये पास के ही शहर के ये जाने माने, ये अहमदाबाद से कोई पास होगा गांव उनका, सामान्य गांव से गुजर रहे थे, अरे ये तो अपने जैन व्यापारी, ये तो अपने, तो एकदम उसने रोक लिया उनको और बोले कि आपको यहां रुकना है। तो बोले ये एकदम फटे कपड़े वगैरह, तो उन्होंने कहा क्या बात है भाई, तो बोले मैं जैन हूँ, जय जिनेन्द्र वगैरह क्या, और मुझे बहुत खुशी है आप यहां से फिर से कब गुजरेंगे, आपको तो आना है हमारे घर, तो चलना ही है, और भोजन वगैरह कुछ ले लो कैसे। बोले बिल्कुल समय नहीं है हमको, तो कैसी बात करता है, नहीं नहीं आपको चलना ही है, इतना आग्रह किया। जाते जाते सहज ही बात आई कि क्या बात है आप, तो बोले कि हम इकट्ठा कर रहे पैसा चंदा इसके लिए, इस काम के लिए। अच्छा 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 बोले, तो फिर घर पर गए, थोड़ा भोजन करो और फिर जहां जाना है सो जाओ। बोले तो आपने कब भोजन किया होगा, क्या किया होगा, चलो आप जल्दी जल्दी सब। तो जल्दी तैयार करने के लिए कहा, पिताजी घर पर लेटे थे, उनके अंतिम दशा में थे, पिताजी के पास गए, खेमा नाम था उसका, खेमा, वो खेमा गया पिताजी के पास और कुछ कान में बोला। पिताजी को शायद पूछा होगा कि ये लोग आए हैं बहुत, आप भी कभी नाम लेते थे इनका, ये आज भाग्य से अपने घर आए हैं, भोजन है। वो मौन रूप से अनुमोदन किया, बहुत अच्छा लगा उनको। तो ये समस्या पड़ी है, इनको पैसे की आवश्यकता, ये सब जगह मांग रहे हैं, क्या हम अपना योगदान दे सकते हैं क्या कुछ। तो बहुत सहर्ष रूप से उसने हाँ कर दिया। तो वो जो सेठ मंडली आई थी उनको बेसमेंट में ले गए, ग्राउंड फ्लोर में ले गए सब। तो जैसे ही ले गए वहां पर, तो उनको दिखाया सब रत्नों आदि की राशि कैसे भरी थी, सोना चांदी कैसे भरता, आपको जो चाहे उठाओ। एक अकेला आदमी उसकी पूरी संपत्ति लेकर गुजरात का पूरा अकाल मिट गया था उससे। फिर पूरा उसको, और रहने के लिए ऐसा रहता था, तो प्रसंग आने पर ये जैनी कितना दान कर सकते हैं कि ये कितने उदार चरिता नाम तू बोलिए वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र बोलो भाई, पूरा छंद बोलो, पूरा छंद बोलो। अयम पर निजो क्या है बोलो, आपको नहीं, ये सूर्यांश तुरंत बोलते, तुम लोगों को 2-4 बार पता है ना मैंने। अयम निजः परो वेत्ति आ गया क्या, अयम निजः परो वेत्ति, ये मेरा है ये तुम्हारा है। लघु चेतसाम, यह हल्के लोगों का काम है, और उदार चरिता नाम तू, और उधर उदार चरित्र वाले जीव होते हैं उनके लिए तो बोलो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए वसुधा ही कुटुंब है पूरी। तो फटाफट दे दिया, आज चलो पहला शब्द क्या आया दान में, अनुग्रहार्थम। ये अनुग्रह मतलब उपकार। प्रश्न एक उत्पन्न होता है किसके उपकार के लिए, मुख्य प्रयोजन तो सामने वाले को उपकार है, लेकिन इस सूत्र का अर्थ अच्छे से समझना, या पर सामने वाला कहे उपकार की बात नहीं चल रही है, स्वयं के भी ऊपर उपकार होता है, ये कहना चाहते हैं। अनुग्रहार्थम,
दूसरों के ऊपर उपकार होते ये तो कोई भी बोलता है, लेकिन वो स्वयं ऐसा अनुभव करे, कैसा अनुभव करे कि कोई कीचड़ में गिर गए हो और वो तड़प रहा हो बाहर निकलने के लिए, और ऐसे में कोई आए उसको हाथ दे ऊपर उठाए, क्या अनुभव करेगा, कितना हर्ष होगा, कितना आनंद होगा। उसी प्रकार परिग्रह रूपी कीच में रुल रहा है, वो चाह रहा है इस कीचड़ में से बाहर निकले, और किसी न किसी माध्यम से पात्र कोई दिखा और उसको देने का बन गया, तो वो निमित्त बना ना, ये उपकारी बन गया, ये उपकारी है सामने वाला। अनुग्रहार्थम, स्वयं के ऊपर भी उपकार हो गया, पर के ऊपर तुमने कोई एहसान नहीं किया है, ये बात दूसरी है, उसको भी आवश्यकता थी उसको भी मिल गया, तुम्हें भी तो आवश्यकता थी देने की, तुम्हें भी देने की आवश्यकता थी, लेने वालों को लेने की आवश्यकता थी। आजकल दान देते हैं, मैं सबकी तो कह ही नहीं रहा हूं, जिनके पास ब्लैक है नंबर टू का पैसा, अब वो कहां देंगे, वो तो जबरन देते लाखों रुपए, किसका उपकार हो रहा है इसमें, उदाहरण एक देश, किसका उपकार हो रहा है, संस्थानों का उपकार हो रहा है कि उनका उपकार हो रहा है, अरे वे कहां रखते उस पैसे को, और रेड पड़ती तो और समस्या बनती, तो ये दोनों का लाभ हो गया। ये तो एक देश उदाहरण इसलिए बोल दे, ये नंबर दो का, मैं तो ये कह रहा हूं ईमानदारी का जो धन है आदि द्रव्य कोई भी है उसको दान देना किसके लिए, अनुग्रहार्थम, किसके उपकार के लिए, स्वयं के तथा पर के। आगे बढ़ते हैं, अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्गो दानम, स्वस्य, देखो शब्द का कौन से प्रयोग किया है, स्वस्य अतिसर्गो, ये स्वस्य स्वयं का, अतिसर्गो त्याग करना, उसको दान कहते हैं। स्वयं का क्या दान करना, द्रव्य, पूज्यपाद स्वामी ने क्या परिभाषा लिखी, देखो सर्वार्थ सिद्धि में, लोक में जिसको अपना धन कहते हैं, लोक में जिसको अपना कहते हैं उसको देना, स्वस्य अतिसर्गो का अर्थ किया, क्या रहस्य इस लाइन का, कोई बताएगा रहस्य, बताओ कोई रहस्य, लोक में जिसको अपना धन कहते हैं, परमार्थ से अपना नहीं है, लोक में जिसको अपना कहते हैं, अच्छा यह व्यवहार भी क्यों जरूरी है, नहीं तो फिर चोरी के दायरे में चला जाएगा ना, फिर व्यवहार में प्रचलित चाहिए यह धन इनका है, अपना है नहीं परमार्थ से, लेकिन व्यवहार से अपना भी चाहिए, वो किसी और का होगा तब तो फिर चोरी के दायरे में चला जाएगा, इसलिए लूटपाट का पैसा कहीं से लूट कर पैसा देना वो दान के दायरे में नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पैसा नहीं, वो दूसरों का पैसा है, कितनी चीखे और आए है उसमें, उससे भरी तुम्हारी पेटी है। इनके लिए एक छंद लिख दिया एक जगह, स्टोप देश में भी ऐसा प्रश्न आया कि दान करने से तो बहुत पुण्य होता है ना, ठीक है हम खूब दान करेंगे, और दान करने के लिए तो खूब कमाना पड़ता है, टोडरमल जी ने भी इस विषय को लिया, जानते हैं आप सम्यक ज्ञान चंद्रिका, किसी ने पढ़ी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, नहीं जानते सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, प्रकरण आया दान का, दान करेंगे फिर वो कहने लग गए कि धन होगा तो ही सब कुछ होगा, तो ही पंडित आते हैं, नहीं तो धन नहीं होगा तो क्या होगा, तो टोडरमल जी ने तो उसको पहले बहुत सुनाया, रे पापी कहकर वो प्रारंभ किया उन्होंने, रे पापी धन तो कुछ तेरे पैदा किए हुए उत्पन्न नहीं होता है, आदि आदि कहकर फिर ये कहा कि सहज में ही पैसा हो तो दान देना अलग चीज है, लेकिन दान करने के लिए कोई पैसा कमाता है तो जैन दर्शन में ऐसी रीति नीति बिल्कुल स्वीकृत नहीं है, क्योंकि दान करने के लिए जो पैसा कमाता है वो पुण्य करने के लिए पहले पाप करता है। स्टोप देश में क्या उदाहरण, ग्यारहवा छंद बोलो, स्नास्याम इति लिंपति बोलो, अच्छा बोलो बोलो, निर्धन धन चाहे करे करे करो पुण्य दान की स्लिप पे मानता मूर्खिया में स्नान। तुम टोन में नहीं जानते क्या बोलना, ए फिर क्या फायदा है, ये कोई गद्य थोड़ी है, ये तो पद्य है, बोल तुमको गाना चाहिए इसको, ऐसे याद नहीं करो आप लोग, जल्दबाजी के चक्कर में फिर मजा नहीं है ना कुछ, उसको गा गा के याद करो आप लोग, गा गा के। चलो ये बोल दिया है इन्होंने, क्या आया है वहां पर, मैं भूल रहा हूं वहां पर क्या, मैं छंद ही भूल रहा हूं वहां पर,
नीचे की लाइनें हैं कि स्नास्यान इति विलिम्पते, मुझे स्नान करना है इसलिए मुझे लिम्पन करना पड़ेगा। ऐसी वृत्ति वाला जीव है उस समान वो जीव है जो दान करने के लिए पैसा कमाने गया है। और गज स्नान वत ऐसा उदाहरण इष्टोपदेश में भी आया। हाथी क्या करता है वैसे, हाथी क्या करता है उन्हें बताया था कभी? हाथी का रहस्य नहीं बताया, बताया था? सुनो सुनो, बोलो मत, बोलो मत। जानते हो अक्षत? नहीं जानते, शांत रहो। हाथी क्या करता है? हाथी जाता है नदी में पानी पीने के हिसाब से और खूब फवारे ले लेकर फिर स्नान भी करता है वहां पर, ये आप सब जानते होंगे इतना तो। और जब बाहर आता है तो फिर मिट्टी से लिप्त करता है अपने बॉडी को, ये तो सब जानते होंगे ऊपरी बात इतनी तो। आपको फिर ये लगता होगा मिट्टी से लेपन करता होगा और फिर नदी में आता होगा, ऐसा लगता है ना आपको? ऐसा नहीं है लेकिन वो। और हम जितना मूर्ख उसको समझते हैं हाथी को, हाथी उतना मूर्ख थोड़ी है। ये तो बदनाम किया आचार्य ने मोफत में ही, ये तुम्हारे सामने शिक्षा देने के लिए। हाथी जो भी करता है उसमें साइंस से करता है वो पूरा, ये जलोपचार पद्धति करता है वो। क्या करता है मैं बताता हूं, देखो हाथी की चमड़ी है मोटी काली और गर्मी में भयंकर तकलीफ होती है। रेडिएशन इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल द ब्लैक बॉडीज, यू मे बी नोइंग, जानते ना आप लोग, है ना? एब्सॉर्प्टिविटी इज 1, एब्सॉर्प्टिविटी 100% वो पूरा एब्सॉर्ब करता है। काली चीजें कोई भी पहनेगा गर्मी में, बहुत गर्मी होगी। अपने में भी देखो, जो थोड़े मोटे होते हैं प्रकृति में उनको बहुत गर्मी लगती है, चमड़ी होती है बहुत, मांस होता है ज्यादा, और वैसे ठंड कम लगती है उनको भी। सुनो 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 क्या बात है। और वर्ण में जो काले हो उनको भी गर्मी विशेष लगती है, ऐसा होता है। चलो अब मैं तो क्या कहना है, बहसे आपने देखी होगी, ये बहस वगैरह होते हैं ये जब भी निकलते हैं, ये देखना ना गर्मी के दिन में जब भी कोई पानी थोड़ा भी दिखेगा सब बहसे उसमें पड़ी रहती है और मात्र गर्दन में मुंह उनको ऊपर रहता है। ये क्या तकलीफ है उनमें? तकलीफ ये है वे नहीं बर्दाश्त कर सकते गर्मी को बाहर, उनकी चमड़ी इतनी मोटी भी है काली भी, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते वे, तो उनको दिन भर पानी में डूबा रहना पड़ता है। ये हाथी भी उसी जाति का है, गेंडा आदि ये सब इसी जाति के हैं, तो हाथी में डूबा रहता है पानी में। लेकिन डूबा कब तक रहेगा आखिर? उसको भूख भूख तो लगेगी कि नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं, कि पानी पानी पिएगा। तो जैसे ही ये बाहर निकला उसको एकदम स्कॉर्चिंग हीट की तकलीफ होने लगती है। तो एक ये बुद्धि का प्रयोग करके वो मिट्टी का लेपन करता है पूरी बॉडी पर, हीट रेजिस्टेंस, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो पूरा लेपन कर देता है इस पर। उसको अभी गर्मी की तकलीफ नहीं होती बिल्कुल, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। अरे ये अन्यमति के मुनि महाराज है, वे नहीं क्या राख क्यों लगाते वे लोग? भस्म उस्म रमाते हैं ना, आप नहीं जानते क्या? भस्म रमाते हैं, कहते वे जोगी भस्म रमाते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि फिर तकलीफ नहीं होती ठंड गर्म की, एक नेचुरल एक कोटिंग बना रहता है, वस्त्र भी नहीं पहनना है और अपना काम भी निकल आएगा। तो यह हाथी जाता है फल खाने को, जो भी पेड़ पौधे खाने को, ये मिट्टी का लेपन करते हुए अभी खूब पेट भर लेता है जितने में, अब उसकी कैपेसिटी खत्म होती है, मिट्टी में भी प्रवेश करेगी कि नहीं गर्मी आखिर? तो अभी उसको गर्मी लगने लगती है, जैसे गर्मी लगने लगेगी उसको, अब पेट भर चुका है, अब फौरन आता है दौड़ता दौड़ता फिर से, और फिर नदी में लगाता है डुबकी, और अब फिर ठंडक चाहता है, और फिर भूख लगेगी तो वैसे नहीं जाएगा अभी वो बाहर, बाहर निकलते ही पहले तो लेपन करेगा। वो गर्मी के पीछे करता ही ये सब कुछ विवेक से। ये तो मोफत में अपन समझ रहे कितना मूर्ख है, ऐसे भी कोई हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है, कोई बिना मतलब को कुछ नहीं करता वो। लेकिन आचार्य ने उदाहरण दिया इसके लिए, कोई पाप करने के लिए मानो
पुण्य करने के लिए मानो कोई पहले ही पाप करता हो तो यह नहीं चलेगा। अनुग्रहार्थम, यह अनुग्रहार्थम शब्द से बात फलित हुई। कौन सी बात फलित हुई? पहले पाप करके फिर पुण्य करना, यह बात नहीं कह रही है। यह तो अनुग्रहार्थम शब्द ही नहीं आता। जो स्वयं के लिए उपकारी हो और दूसरों के लिए उपकारी हो, स्व पर के लिए उपकारी हो, एक उसी के लिए दान दिया जाता है। मान बड़ाई आदि के लिए कदापि नहीं, यह अनुग्रहार्थम में आ जाएगा। स्वयं के लिए फिर अपकारी हो जाएगा ना, वो अपनी लोभ कषाय घटनी चाहिए, मान कषाय बढ़नी नहीं चाहिए, यह बात आ गई। तो अभी अभी पद्धतियां चालू हुई है बोली वोली की, ऐसी मूल पद्धतियां अपनी नहीं रही है। बोली बुलवा बुलवा कर फिर तुम कितना दोगे, तुम कितना दोगे, एकदम ये रद्दी पद्धति अभी चालू हो गई है सब। फिर उसमें थोड़ा ईर्ष्या भी होता है, फिर अनिच्छा पूर्वक भी कुछ निकालता है, फिर जो भी कुछ सिस्टम हो। पहली सिस्टम तो ऐसी होती थी, दातार घंटों खड़े रहते थे राजमहल के अपने बाहर। ये धर्म शर्म्योदय नाम का ग्रंथ है, धर्मनाथ भगवान का पूरा चरित्र उसमें हरिश्चंद्र कवि ने लिखा है पूरा। और उसका वर्णन करते समय उन्होंने लिखा है धर्मनाथ भगवान के पिता का वर्णन, उनका राजपाट का वर्णन कर रहे हैं। तो राजपाट का वर्णन करते समय वे कह रहे हैं इतनी खुशहाली थी उस नगर में, तो कहते हैं कि जो दातार रहता था वो दातार घंटों आकर खड़े रहता था बाहर, और हरेक जो आदमी गुजरता था सामने से हरेक का मुख बहुत गौर से देखता रहता था कि शायद इसके मुख पटन से कुछ ऐसा झलक जाए कि बेचारा गर्जी है, क्योंकि मांगता तो कोई नहीं था वहां पर। देहित दुरक्षरम द्वयम, नगर में दो अक्षर बहुत खराब माने जाते थे, दे दो, ये कोई कभी नहीं बोलता था, इसलिए बहुत कसौटी हो जाती थी परीक्षण करना, कौन गर्जी है, हम मांगेगा तो कोई नहीं, सब स्वाभिमानी स्वाभिमानी रहते थे वहां पर, तो इसलिए हरेक जन परेशान रहते थे, घंटों बाहर खड़े रहते थे और परीक्षण करते थे और तुक्के लगाते रहते थे। तुक्के समझ में आया ना? अभी साहब हमें बहुत हर्ष होगा, आप ले लो, किससे बात कर रहे थे? और उसमें यदि कोई गर्जी मिल गया उनको उतने में ही, वैसे ही बाय चांस कोइंसिडेंस हो गया कि कोई गर्जी आ गया, तो वे ऐसा अनुभव करते थे, बोलो बोलो, वे ऐसा अनुभव करते थे मानो मुझे अभी सातवें नरक की ही प्राप्ति होगी। क्यों? इतना गर्जी हमारे नगर में रहते हुए भी आज तक हमने इसका ध्यान ही नहीं दिया, इतना वे अनुभव करते थे। ऐसे पूरे वर्णन दिया, ये दान की ये पद्धतियां चलती थी पहले। दान दातार तरसते थे, क्यों? तभी तो ये सार्थक होगी ना संज्ञा। कौन सी? अनुग्रहार्थम। दातार ने पात्र के ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, और यदि किया है तो पात्र ने भी कुछ कम उपकार नहीं किया है दातार के ऊपर, ठीक है? उसको किच किच में से निकाला है बाहर, उसने संयम साधना के लिए पोषण किया है उसका मिले हुए दान का, और इनका भी क्या हुआ, इनके लिए भी संयम साधना के लिए अनुकूल पड़ गया। मान के चलिए इनको कोई पात्र नहीं मिले मुनि को भोजन दे, फिर ये कैसे भोजन करेंगे, तो कितना उपकार किया लेने वाले ने भी। अनुग्रहार्थम स्वस्याति स्वर्गोदानम, एक सूत्र हुआ। आगे बढ़ते, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेषः, अंतिम सूत्र है। ये दान की विशेषता बताई जा रही है, ये चार प्रकार से दान की विशेषता हो सकती है। एक विधि की विशेषता को लेकर दान की विशेषता होगी, द्रव्य की विशेषता को लेकर, दातार की विशेषता को लेकर, और पात्र की भी विशेषता को लेकर दान की, दान में विशेषता आएगी। और अकॉर्डिंगली बताओ, दान में विशेषता आएगी तो बताओ, कोई बताओ, बोलो, पुण्य के आश्रयों में भी फिर विशेषता पड़ेगी। देखिए देखिए, मैं उदाहरण थोड़ा बताता हूं। पात्र में घटित करते हैं, यह हम सब जानते हैं, यदि उत्तम पात्र हो दिगंबर मुनिराज, उनको आहार देते हो तो साधारण फल की प्राप्ति होगी, यदि अनुवृत्ति को देते हो तो और कम की, और यदि सामान्य अपने शरीर के साधर्मी को देते हो तो और कम की प्राप्ति होगी, ठीक है? तो पात्र से फल मिलेगा,
प्रश्न उत्पन्न होते, क्यों हमारे भाव से नहीं होगा क्या? फिर भाव से नहीं होगा बताओ कोई मुझे? पात्र के हिसाब से हमको दान मिलता रहेगा तो क्या भाव के हिसाब से नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना, मिलेगा तो भाव ही के हिसाब से, वर्णन पात्र की तरफ से चल रहा है। इसका मतलब ये हो उत्तम पात्र होगा तो भाव भी उच्च होगा ना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा। अहो भक्ति, जितना ऊंचा जीव है उनके प्रति उतनी आती है, सहज न्याय है ये। इसलिए यहां तक लिख दिया आचरण, आप जानते होंगे उच्च पात्र को दान देते हो बोलो फल, बोलो बोलो उत्तम भोग भूमि। मध्यम पात्र को देते हो मध्यम भोग भूमि, जगन्य पात्र को जगन्य भोग भूमि, फिर अपात्र और कुपात्र, कुपात्र को देते हो कुभोग भूमि, ऐसा बताया। बताए चारों चारों बताए कि नहीं? अपात्र की तो बात ही नहीं है, ये पात्र से डिफर करेगा। और इसमें कुछ खुल सकता है, कोई गुंजाइश है खुलने की? और कोई गुंजाइश है खुलने की विशेषता में? और गुंजाइश है मुनि में भी? बोलो बोलो, जो रिद्धिधारी मुनि है, सप्ताश्चर्य ऐसे थोड़ी, पंचाश्चर्य की रुष्टि ऐसी थोड़ी चाहे जाए होती है, वो तो विशेष रिद्धिधारी मुनि होंगे तो विशेष फलदायी। और बोलो, और तीर्थंकर का जीव हो, अब बोलो दो तीन भव में मुक्त हो जाता है वो जीव, या तो इसी भव में मुक्त होगा या तो तीसरे भव में मुक्त होगा, अभी रखड़ेगा नहीं। आहार दाता होता है जो पहली बार आहार दान देता है तो उनके लिए ये व्यवस्था बताइए, वो इस भव में या तीसरे भव में मुक्त हो जाएगा। ये पात्र के ऊपर भी निर्भर हुआ ना कि तीर्थंकर का जीव है, उनको कोई यदि देता है तो विशेष फलदायी होगा, ये पात्र की तरफ से लगा रहे अपन, जैसा पात्र होगा उसको वैसा। इसलिए पात्र समझने में बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको भी। टोडरमल जी की भाषा में बोलो, व्यवहारभाषी का प्रकरण, दान देता है तो बोलो पात्र, पात्र का विवेक नहीं है, जिससे बोलो बोलो जिससे अपनी मान बढ़ाई हो ऐसा दान देना चाहता है, पात्र पात्र का विचार ही नहीं है। मैंने थोड़े दिन पहले छंद लिखाया भी था शायद किसी को, आशाधर जी का छंद, उसमें लिखा था कि हजारों लाखों जैनेतरों को दान करने की अपेक्षा यदि कोई एक जैनी को दान करता है तो सहस्त्र गुण फलदायी होता है, ऐसा आया था। आपके ज्ञान में है किस प्रसंग में कब किसको लिखा था मैंने? नहीं ज्ञान में, जैन को और जैन से भी ऊंचा फिर वृत्ति आदि, फिर ये स्तर और आगे बढ़ेगा। तो कभी भी प्रिफरेंस का मौका मिले, जब भी हमको कहीं पैसा लगाना है तो प्रॉपर उसमें इतना निकले कि ये प्योरली पैसा जा किस में रहा है। यदि प्योरली ज्ञानदान में जा रहा है, कोई चेतन जीव, कोई चेतन है और उसके उद्धार में लग रहा है वो, कोई गरीब है और धन के अभाव में वो धर्म नहीं कर पा रहा है, यदि वो स्थितिकरण उसका होता हो, भरत जी ने ऐसे ही स्थितिकरण किया था पूरा, ब्राह्मण एक नया वर्ण प्रारंभ करके पूरे उनके आजीविका की व्यवस्था कर दी थी। विधवाएं हैं, ब्रह्मचारी बहने हैं, उनके लिए आश्रम आदि, ये फर्स्ट प्रेफरेंस पर चला जाएगा काम, समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये किस में किसकी अपेक्षा चर्चा की हमने? पात्र की अपेक्षा चर्चा की। अब विधि, विधि में क्या आएगा? अब पात्र को समझना पड़ेगा तभी तो विधि समझेंगे आप। देखिए विधि में क्या लेंगे कोई बताएगा? वेरी नाइस, ये मुनि हो, नवदा भक्ति आप करते हो तो आपको उतना फलदायी हो, क्षुल्लक होगा तो उसको नवदा भक्ति नहीं होती, उसको दो भक्तियां कम होगी, पाद प्रक्षालन नहीं होगा, ना पाद प्रक्षालन होगा और बोलो ना द्रव्य उसको दिया जाएगा। फिर तीन भी लगा सकते, वैसे हटा सकते, मतलब तीन नवदा भक्ति है ना, नवदा भक्ति, पहली भक्ति कौन सी है? पहली भक्ति प्रतिग्रहण, आवाहन बोल सकते, आवाहन प्रतिग्रहण का ही शब्द बिगड़ कर बोलो पड़गाहन हुआ, मूल शब्द है प्रतिग्रहण, ग्रहण स्वीकारना अंगीकारना, उसी को क्या बोल रहे हैं? आवाहन। तीन भक्तियां कम होती है क्षुल्लक अलग अर्जिका अर्जिका और शुल्लिका को, क्षुल्लक शुल्लिका अर्जिका, हाँ तीनों को तीन भक्तियां कम होगी, कौन कौन सी? उनका पाद प्रक्षालन नहीं होगा, एक उनको
उनके लिए द्रव्य क्षेपण नहीं होता, बात दो। और प्रणाम, प्रणाम भी एक है नवदा भक्ति में, आप देख लेना। तो प्रणाम के रूप में नमस्तु उनको नहीं होगा। यदि आप प्रणाम की जगह फिर इच्छा में वगैरह रखते हो तो फिर सात भक्तियां उनकी होगी, तो विधि के अनुसार होगा। और अपने विद्वानों में भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। अपन जय जनन करते बहुत आतिथ्य वगैरह से बुलाते हैं, फिर पैर धोने के लिए भी अपन पानी वगैरह उनको देना चाहते हैं, आदि आदि, ये सब इस भक्ति में आएगा, विधि में आएगा ये सब, ठीक है। नव पुण्य प्रतिपत्ति, विधि की बात हुई अपनी, जिसमें उच्चासन पर विराजमान करना, फिर पूजन करना, पाद प्रक्षालन करना, यह सब नवदा भक्ति बताई है। आगे बढ़ते हैं, विधि की चर्चा हुई, अब ये तो आहार दान में ही अपन चर्चा कर रहे हैं वैसे, फिर और जो भी दिया जा रहा है फिर और वहां पर समझ लेना। द्रव्य, अब फिर क्या द्रव्य दिया जा रहा है उससे भी, अब द्रव्य में क्या लेंगे बोलो भाई, द्रव्य में क्या लेंगे बोलो। इसमें तो बहुत ध्यान में रखने लायक है, ज्ञानदान कोई करता हो तो उसमें भी पात्र अपात्र का विचार करना है, और जैसा पात्र हो उतना विशेष फलदायी है। थोड़ा एग्जाम्पल दो आपको, आप बोल के दिखाओ थोड़ा, पात्र को देखकर कैसे देना फलदायी है। जितने भी ग्रंथ लिखे आचार्यों ने वैसे साधारण आरोग्य रोगों के लिए थोड़ी लिखे। अब देखें राजा चामुंडा है, मतलब सब एवन के लिए, तो जैसी वो योग्यता वाले जीवों के लिए लिखा जाएगा फिर वे अकेले विरक्त नहीं होते राजा लोग, फिर विशेष समूह में विरक्त होंगे, ऐसा होता है। विशेष योग्यता देखकर वे ग्रंथ लिखना चालू करते हैं उनके निमित्त से, अथवा अन्य मति कोई हो बहुत बड़ा, जैसे बोलो परमात्मा प्रकाश प्रभाकर भट्ट जो, और बोलो सिद्धे ब्राह्मण तत्व और सूत्र, समझ में आता, आदि आदि लगा लेना। ऐसा भी कुछ सोच समझ कर जो दिग्गज हो अन्य मतियों में, तो उसको भी विशेष देशना दे सकते हैं राग करके, क्योंकि ये ठीक होगा तो इनके अनुयायी भी सब पूरे अपने यहां आ जाएंगे, हो सकता है ऐसा। तो वैसे उदाहरण पूरा घटित नहीं होगा, महावीर का उदाहरण ले सकते हैं, कैसे है उदाहरण, किसको देना दान, गौतम, ये विशेष जीव आए हैं। अब ये आएंगे तो अन्य मतीय बराबर सब पूरा हिस्सा, वैदिकों का मूल प्रकोप था जैनियों के सामने, आप जानते हैं महावीर के, महावीर को मूल टक्कर वैदिकों की थी तब, और वैदिक का ये महागुरु था। अब यही यहां पर आ गए, ये सहज ही योग बन गया था ऐसा, तो फिर वैसे कुछ मूल विरोध नहीं रहा ना फिर, और बाकी के तो बहुत थे वैसे, लेकिन वैदिक मूल एक विरोधी माने जाते थे। ये तो द्रव्य में ले लिया अपन ने, आगे अभी द्रव्य तो यदि भोजन सामग्री में लेते हैं तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, भोजन तो शुद्ध ही, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति को देखकर, स्वास्थ्य को देखकर योग्य आहार देना, नहीं तो फिर उनको संयम में बाधा हो सकती है ऐसा। तो यह द्रव्य में भी आएगा। आगे दातृ, दातार की विविधता होगी तो फल में भी विविधता होगी, कैसे कोई बताएगा। दातार जितना विशेष होगा, विशेष फलदायी हो सकता है, या पर विशेष मतलब विशेष विशेष भावों से युक्त दे रहा होगा, इसलिए आपने नोट किया होगा थोड़ा सा। अभी दातार के लिए उदाहरण कोई घूम रहा है, दसवा पूर्व भव आदिनाथ का आहार दे रहे हैं, ये राजा है ये स्वयं, और राजा है और ससैन्य निकल रहे हैं युद्ध करने के लिए जहां पर भी हो, अब आहार ये दे रहे हैं, और नेवला सुअर शेर और बंदर ये चारों वहां पर ही है, हालांकि दे एक रहे हैं और अनुमोदन बाकी के कर रहे हैं। तो फल किस रूप में फलेगा, जाएंगे तो यहां से सब भोग भूमि में ही गए, लेकिन आदिनाथ तो तीर्थंकर बन के निकले, लेकिन विशेष पुण्य फलदायी विशेष फल, अभी इनका इतना नहीं हुआ बाकी जनों का, तो ये तो उसी समोसरण में एक राजकुमार के रूप में थे और गए तो वे भी उसी भव से मुक्ति में। तो ये जैसा दातार होगा, जैसे भाव अपने होंगे उसके हिसाब से भी ये पुण्य फल होगा। बस ये भी सूत्र हो गया, दान को बताने वाले दो सूत्र पूरे हो गए,
विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषा तद विशेषा। समन्त भद्र स्वामी ने इसको समझाने के लिए कोई छंद लिखा है और कैसा खोला है कोई बताएगा? पात्र के लिए क्या खोला उन्होंने कोई बताएगा? पात्र के लिए क्या खोला, क्या कोई शब्द है? अपसूनारंभानाम शब्द पड़ा है वहां पर। नव पुण्य प्रतिपत्ति विधि सप्तगुण समाहिते न दातार। ओके, छंद कौन सा कल बताया था? 113 113 छंद देखो। सप्तगुण समाहिते न, ये विधि नहीं नहीं सॉरी, ये सप्त नव पुण्य प्रतिपत्ति ये विधि पड़गहन विधि। सप्तगुण समाहिते न सात गुण से युक्त दातार। अपसूनारंभानाम पात्र क्या मतलब है भैया? अपसूनारंभानाम, अपसूनारंभानाम का अर्थ क्या है? आरंभ और सूना से रहित। सूना मतलब पंच सूना होते, पंच सूना कुटना पिटना पिसना ओखली ये बुहारी देना पानी छोड़ना ये पांच सूना, और ये पंच सूना से रहित। ये मुनि की अपेक्षा लिखा गया छंद है ये अपसूनारंभानाम। यह अनुवृत्ति और सम्यक दृष्टि को थोड़ी लागू होगा क्योंकि नवदा भक्ति भी उनको थोड़ी लागू होगी। ये मुनि उत्कृष्ट की अपेक्षा चर्चा की इन्होंने, लेकिन उमा स्वामी ने तो सामान्य चर्चा करी है। अपसूनारंभानाम आगा आगे आर्यानाम इशतिदानम। और चौथी एक बात मिसिंग लग रही क्या आपको? बोलो जल्दी बोलो, कुछ विशेष बात ख्याल में आ रही है आपके? कुछ विशेष बात ख्याल में आ रही है? तीन बातें तो हुई बस, कौन कौन सी? विधि, पात्र, अपसूनारंभानाम, फिर दातार। दातार कौन? सप्तगुण समाहिते न। और एक तो बात मिसिंग है यहाँ पर, क्या? द्रव्य शुद्धे न है ना, शुद्धे न, बस वो शुद्ध द्रव्य को देना। तो द्रव्य में इतने ही लिया उन्होंने शुद्ध, इसलिए मैं यहां पर भी कहा ना मैंने द्रव्य में विशेषता लेने में थोड़ी तकलीफ दिखी ना आपने को, क्योंकि द्रव्य तो शुद्ध ही दिया जाएगा, लेकिन इतना ही है कि स्वास्थ्य देखकर अनुकूलता समझकर आदि आदि वो योग्य चीज देना तो ये विशेष फलदायी होगा ऐसा। तो ये दोनों सूत्र हो गए हैं, कल से हम दसवां अध्याय प्रारंभ करेंगे। छोटा ही है ये अध्याय, 9-10 दिन जितने भी अपने पास है अभी शिविर तक, आज क्या 17 है ना, तो लगभग 10-1 दिन है अपने पास, तो ये 10वां अध्याय अपन पूरा करेंगे तो तत्व और सूत्र पूरा हो जाएगा अपना। बाकी बीच के अध्याय 8-9 अपना पूरा कर चुके हैं। ओम नमः।